हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में लेडी डॉक्टर से 55 लाख ठगे। डॉक्टर हजारीवाल चौधरी की बहू को पीजी करवाने के लिए ऐठे पैसे, फर्जी फॉर्म भरवाया। पाली में महिला डॉक्टर से रुकच ककद्र कराने के नाम 55 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली के रहने वाले युवक ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर एडमिशन का झांसा देकर पैसे ऐठ लिए। महिला डॉक्टर के पास एडमिशन का ईमेल नहीं आया तो शक हुआ। ठग से रुपए लौटाने का कहा तो वो टालता रहा। एक साल तक रुपए नहीं देने पर महिला डॉक्टर थाने पहुंची। महिला के ससुर भी शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। अब पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कोतवाल सुरेश चौधरी ने बताया कि शहर के वीरी नगर रहने वाली रुकच कचर्स डॉक्टर दीपिका चौधरी पत्नी मुकेश चौधरी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि मेरे ससुर डॉक्टर हजारीमल चौधरी ने ग्रीन पार्क में रहने वाले मुकेश शर्मा से बात की तो उसने बताया कि शालीमार बाग दिल्ली में उनका रिश्तेदार राहुल भारद्वाज है। वो सरकारी कॉलेज में सरेंडर सीट से वक्त्र करवाता है। फोन पर उसने मेरे ससुर से बात कराई तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पीजी करवाने का विश्वास दिलवाया। आरोपी ने सरेंडर सीट से पीजी करवाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए मांगे। बाद में 55 लाख रुपए में करवाने पर राजी हो गया। 5 लाख रुपए एडवांस लेकर दिल्ली बुलाया। दीपिका चौधरी, उनके पति मुकेश चौधरी व ससुर 13 जुलाई 2020 को नई दिल्ली गए। 14 जुलाई 2020 को राहुल भारद्वाज उनसे मिला, उन्हें नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ले गया और फॉर्म भरवाया। फैकल्टी ऑफ साइंस नई दिल्ली का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया। 16 जुलाई 2020 को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में बुलाया। वहाँ भी उनसे एक फॉर्म भरवाया और बोला कि आपका एडमिशन पीजी के लिए हो गया है, कुछ दिनों में आपको ईमेल मिल जाएगा। एडमिशन के नाम नई दिल्ली के एक बैंक में 25,000 रुपए फीस के रूप में जमा करवाया। इस काम के लिए 50 लाख रुपए नगद लिए। 55 लाख रुपए देने के बाद भी जब पीजी के लिए कोई ईमेल या कॉल नहीं आया तो डॉक्टर ने राहुल से संपर्क किया तो वो उन्हें टालता रहा। ये सिलसिला पिछले करीब एक साल से चल रहा है। वो ना तो पाली के इस प्रतिष्ठित डॉक्टर फैमिली को रुपए वापस दे रहा है और ना ही पीजी में एडमिशन करवा रहा है। आखिर परिवार की ओर से आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जागरूक टीवी की पाली से खास रिपोर्ट।